अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उवैस है और आप देख रहे हैं मिस्टर उवैजी। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ आईफोन एक्स एस इन 2022 में आपके लिए आईफोन एक्स एस का रिव्यू लेके आया हूँ मैं। मैंने इसकी सेटिंग ओपन करी और देखा तो इसमें सॉफ्टवेयर अपडेट आई हुई थी, और मैंने चेक किया तो iOS 16 की इसमें सॉफ्टवेयर अपडेट आई हुई थी, और फिर मैंने उसको डाउनलोड एंड इंस्टॉल किया। डाउनलोड एंड इंस्टॉल करने के बाद जो मेरा इसके अंदर एक्सपीरियंस रहा iOS 16 के अंदर, मैंने फुल डे इसको यूज़ किया, और यूज़ करने के बाद जो मुझे इसमें चेंजिंग नज़र आई, कुछ चीज़ें अच्छी थी, कुछ चीज़ें बुरी थी। तकरीबन 3 GB फाइल थी इसकी, 3 GB की फाइल थी iOS 16 की, और मैंने इसको जो अपग्रेड किया। अपग्रेड करने के बाद मोबाइल की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई। मुझे इसमें एक सबसे बड़ा चेंज जो नज़र आया वो स्क्रीन वॉलपेपर में आया। स्क्रीन वॉलपेपर सेटअप के अंदर जब मैंने ओपन करके देखा तो इसमें बहुत सारे न्यू कलेक्शन मिला मुझे। वॉलपेपर कलेक्शन के अंदर बहुत बड़ा एक कलेक्शन मिला मुझे वॉलपेपर का, जिसमें कि ये कलरफुल वॉलपेपर मुझे बगल वाले भी मिल जाते हैं, और इसमें कलर मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, जो मुझे कलर चाहिए हो मैं वो कलर सेट कर सकता हूँ अपने वॉलपेपर के ऊपर। इसके बाद इसके अलावा जो इसके अंदर वॉलपेपर सेटअप है, इसके अंदर एक वर्ल्ड मैप आया। वर्ल्ड मैप के अंदर भी कुछ इफेक्ट हैं इसके। वर्ल्ड मैप के बाद इसके अंदर कुछ कलरफुल वॉलपेपर मिले मुझे इस टाइप के, जो मुझे स्क्रीन पर लोकेशन भी बहुत अच्छी बनाई जिसने, और बहुत ज़्यादा ऑसम लुक दिया मोबाइल को। और फिर मैंने उसको जो है यूज़ करके देखा, इनको चेंज करके देखा, बहुत ज़्यादा बेटर लुक मिला मुझे इसके अंदर। इसके साथ साथ इमोजिस वॉलपेपर भी अब हमें मिल जाते हैं, इसको हम अपने हिसाब से सेट भी कर सकते हैं, और सेट करके वॉलपेपर हम इसको सेट कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं हमारे पास इमोजिस के अंदर, हमें कलर भी मिल जाते हैं। और ये एक न्यू वॉलपेपर आया iOS 16 के अंदर, ये मेरा फेवरेट वॉलपेपर है, और ये बहुत अच्छा लगा मुझे वॉलपेपर। ये न्यू लुक आया इसके अंदर, और ये बहुत ज़्यादा बेटर लुक देता है मोबाइल को। इसके साथ साथ अगर आप अपनी कोई फ़ोटो पोर्ट्रेट पिक्चर अगर आप इसके अंदर सेट करना चाहते हैं तो वो भी इसके अंदर ऑप्शन अवेलेबल है, और इसमें कलर फिल्टर मिल जाते हैं पीछे आपको बहुत सारे, और टाइम चेंज करने का आपको ऑप्शन मिल जाता है। पोर्ट्रेट के साथ साथ आप इसमें फ़िल्टर लगा सकते हैं बहुत सारे अपने पिक्चर के साथ, और अपनी पोर्ट्रेट पिक्चर इसमें सेट करें, सेट करके इसको जो डे बाय डे यूज़ करें वॉलपेपर में, बहुत अच्छा लुक आता है इसका, बेटर लुक आता है, और मुझे पर्सनली ये बहुत पसंद आया। इसके साथ साथ आपको बहुत सारे वॉलपेपर इसमें मिल जाते हैं। इस बार एप्पल ने iOS 16 के अंदर बहुत बड़ा कलेक्शन दिया है वॉलपेपर के अंदर, और बहुत सारे न्यू वॉलपेपर भी लॉन्च किए हैं iOS 16 के साथ, जैसे कि है कि वॉलपेपर है, ये वॉलपेपर है ओल्ड वॉलपेपर, लेकिन ये इसको इन्होंने अपग्रेड करके इस सॉफ्टवेयर के अंदर ऐड किया है, और बहुत सारे मल्टीपल कलरफुल इन्होंने वॉलपेपर के अंदर बहुत बड़ा कलेक्शन दिया है। और जिन लोगों को वॉलपेपर्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं उन लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है, और इसमें आपको एक बहुत बड़ा सेटअप मिल जाता है वॉलपेपर का, इमोजिस का सेटअप मिल जाता है, इसमें भी बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास। और अगर अब बात की जाए इसके कैमरे की तो कैमरे में बहुत सारी चेंजिंग आई हैं। कैमरा सेटिंग में कोई चेंजिंग नहीं आई, कैमरे की परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा चेंजिंग आई है। कैमरा बहुत ज़्यादा स्मूथली वर्क कर रहा है 4K 60 FPS पर, और बहुत अच्छे मतलब कि अब शार्पनेस और कलरफुल पिक्चर है, कलरफुल वीडियोस अब जो है कैमरा मुझे प्रेफर कर रहा है, और बहुत अच्छा मुझे रिज़ल्ट मिल रहा है कैमरे से। और मैंने जो इसके मैं तो आईफोन एक्स एस एक टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल फ़ोन है जिसकी मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल फ़ोन है, मैं इसको iOS 14 से यूज़ कर रहा हूँ अपने इस आईफोन एक्स एस को। मैंने इसमें 14 भी यूज़ किया है, iOS 15 भी यूज़ किया है, सारे उसके पॉइंट यूज़ किए मैंने 15 के। अब iOS 16 आया और मैंने इसको अपग्रेड किया है, तो मुझे कैमरे के अंदर इसके अंदर बहुत बड़ा एक फ़र्क मिला है, बहुत बड़ा एक चेंज मिला है, और वाकई ये बात सच है कि कैमरे के अंदर फ़र्क आया है। और आईफोन एक्सेस के अंदर ये चीज़ वर्क करती है, ये जो पोर्ट्रेट पिक्चर किसी भी चीज़ की हो वो स्कैन होकर अगर आप किसी को सेंड करना चाहते हैं, या उसको बैकग्राउंड ब्लर करके सिर्फ आप जो है अपने पोर्ट्रेट को जो है अलग करना चाहते हैं तो वो पॉसिबल है इसके अंदर, और आईफोन एक्सेस के अंदर वो वर्क कर रहा है, आईफोन एक्स में वो वर्क नहीं करता। अब जैसे कि मैंने वो पिक्चर कॉपी की, यहाँ पर आके मैंने उसको पेस्ट किया तो उसका पोर्ट्रेट जो है वो मुझे यहाँ पर इस तरीके से मिल जाएगा। ये आईफोन एक्सेस के अंदर वर्क कर रहा है ऑप्शन, आईफोन एक्स के अंदर ये ऑप्शन वर्क नहीं कर रहा। कुछ लोगों का बोलना है कि आईफोन एक्सेस के अंदर या आईफोन एक्स में कैमरे का कोई फ़र्क नहीं आया iOS 16 अपग्रेड होने के बाद। ये लोग जो है वीडियो एडिट करते हैं या पिक्चर एडिट करते हैं और फिर जो है कलर शार्प करके दिखाते हैं। ये आपके सामने मैंने पिक्चर क्लिक करी और ये पिक्चर आप गौर से देख सकते हैं, आप सही से देख सकते हैं, अभी हैंड टू हैंड आपके सामने इसको मैंने क्लिक करा है पिक्चर को, कोई एडिट नहीं करा, कुछ भी नहीं करा, क्लिक करके आपके सामने इसको ओपन किया, आप इसमें कलर देख सकते हैं, फुल पिक्चर्स मिलती हैं आपको इसके अंदर, और ये सारी पिक्चर है ओरिजिनल हैं, जेन्युइन पिक्चर हैं। अभी क्लिक करी है मैंने,
कोई पिक्चर जो है इसके अंदर मैंने एडिट नहीं की। अभी मैंने वीडियो के स्टार्ट में अपने आईफोन एक्सेस से एक वीडियो रिकॉर्ड की थी, वो वीडियो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। आप उसके अंदर कलर्स देख सकते हैं और स्मूथनेस देख सकते हैं आप, और क्लियरिटी आप देख सकते हैं इसके अंदर कैमरे में कितनी क्लियरिटी है, स्मूथनेस है और कलर बिल्कुल डे बाय डे और कलरफुल पिक्चर है, कलरफुल वीडियो बिल्कुल रिकॉर्ड है इसके अंदर और बिल्कुल क्लियर है। और सच बात यह है कि जब मैं वीडियो बना रहा था तो सब कुछ मेरे सामने था और मुझे इतना क्लियर आंखों से नज़र नहीं आ रहा था जितना क्लियर आईफोन एक्सेस के कैमरे से मुझे उसमें नज़र आ रहा था और जितना मुझे इसमें कूल फील हो रहा था। iOS 16 के मैंने आपको सारे फ़ायदे तो बता दिए, उन फ़ायदों के अंदर एक फ़ायदा इससे ये भी हुआ कि मोबाइल की स्पीड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई। मुझे यूज़ करने में ऐसा लग रहा था जैसे मैं 13 सीरीज़ का कोई मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गया ये वर्क करना और बहुत ज़्यादा इसका टच जो है स्मूथनेस की तरफ आ गया। एक प्रॉब्लम हुई मुझे iOS 16 से और वो प्रॉब्लम सेम मेरे साथ वही आईफोन एक्स वाली हुई कि बैटरी बैकअप का इशू आया मेरे साथ। पहले मेरा मोबाइल फुल डे चलता था 100% होने के बाद और अब मेरा मोबाइल हाफ डे चलता है। अब मुझे दिन में दो बार चार्ज करना पड़ता है अपना मोबाइल। जब से मैंने iOS 16 अपडेट किया है अपने मोबाइल पर बैटरी बैकअप का बहुत इशू हो रहा है। यही थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें। बाय बाय, टाटा।